अनलॉक नहीं है तो आप लोग बिल्कुल ही फ्री में अनलॉक कर सकते हो। वो कैसे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के आगे बताने वाला हूं। अगर आपके पास डीजे वालों कैरेक्टर नहीं है, स्काईलर कैरेक्टर नहीं है, या फिर क्रोनो कैरेक्टर नहीं है, या फिर जो भी कैरेक्टर आप लोगों को पसंद आता है इन सभी में से, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आप लोग अनलॉक कर पाओगे। जैसे कि यार अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स अनलॉक पड़े हुए हैं। तो गाइस आप लोग कैसे अनलॉक कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए और इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट जरूर से कर देना मेरे भाई। तो चलो यार फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बल्कि बस फाइनली बात कर लेते हैं कि लिंक सिस्टम से आप लोग सारे के सारे कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही फ्री में कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, एंड आपके पास जो भी कैरेक्टर नहीं होगा उसके ऊपर लॉक पड़ा हुआ होगा, ठीक है, मतलब वो जो कैरेक्टर है वो लॉक पड़ा हुआ होगा। तो गाइस ऊपर में आप लोग एक लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप लोगों के सामने कुछ मिशन दिखाए जाएंगे, ठीक है, और मिशन कंप्लीट करने के बाद वो जो कैरेक्टर है वो अनलॉक हो जाएगा। लाइक देखो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यार देखो सबसे पहले तो यार यहां पर हमें कोई ऐसा कैरेक्टर को चूज करना होगा जो कि यार लॉक पड़ा हुआ होगा, लेकिन मेरे अकाउंट के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी अपने दूसरे अकाउंट के अंदर जाऊंगा और वहां पर मैं आप लोग कैरेक्टर को अनलॉक करके दिखाऊंगा, ठीक है। और हां साथ साथ हमारे गेम के अंदर नया नया कैरेक्टर भी आ चुका है, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे होगे केंटा का और साथ साथ हुमर का, जो कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि ये दोनों कैरेक्टर हमारे गेम के अंदर आने वाले हैं। और गाइस अगर आप लोग इसे लिंक से यहां पर अनलॉक करना चाहोगे तो गाइस ये फिलहाल अभी अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि गाइस यार ये जो कैरेक्टर है वो अभी तक आई थिंक हमारे गेम के अंदर नहीं आया। देख पा रहे हो यहां पर लिखा हुआ है दिस आइटम विल बी अवेलेबल सून, मतलब कि अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया, ठीक है। वैसे अगर आप लोग इसका मिशन वगैरह कंप्लीट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन गाइस यहां पर आप लोगों को ये जो कैरेक्टर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर वो अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया। आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले गरीना वाले इसे हमें टॉप अप इवेंट के अंदर देने वाले, उसके बाद आप लोग इस वाले कैरेक्टर को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन यार देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो यार अपडेट के एक ही दिन गुजरे, तो गाइस ये जो कैरेक्टर वो अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया। दोनों के दोनों कैरेक्टर के अंदर वही लिखा हुआ है, अभी आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इन सभी कैरेक्टर्स को हटाते हैं, जो हम लोग यहां पर मेन टॉपिक है हमारा कि यार अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि स्काइलर या फिर डीजे वाला कैरेक्टर या फिर और कोई जो भी कैरेक्टर यहां पर जो ओल्ड कैरेक्टर है, अगर आपके पास वो कैरेक्टर नहीं है तो आप लोग उसे कैसे अनलॉक कर सकते हो लिंक सिस्टम की मदद से, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से यार इस आईडी को लॉग आउट कर लेते हैं और गाइस एक नूब आईडी को निकाल लेते हैं जिसके अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो लॉक पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली मैंने अपना एक दूसरा आईडी लॉगिन कर लिया। तो गाइस यार यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से टैप टू बिगिन पे क्लिक करते हैं, एंड गाइस ये हमारा हो गया आईडी ओपन। अब गाइस यहां पर हम लोग चलते हैं यहां पर कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर। भाई ये सब हट जा यार, हट जा भाई, हट जा जल्दी जल्दी हट जा। ओके गाइस यहां पर फाइनली बात करते हैं, कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, एंड गाइस देखो यहां पर लिंक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऊपर में। तो गाइस हमें क्या करना है, वैसा कैरेक्टर को चूज करना है जो कि मेरे पास लॉक पड़ा हुआ है, तो सारे का सारा तो लॉक ही है। लाइक देखो यार अगर आपके पास स्काइलर नहीं है या फिर डीजे अलोक नहीं है या फिर जो भी नहीं है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो ये है डीजे अलोक, ये है स्काइलर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डीजे अलोक को ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है डीजे अलोक। अब गाइस देखो यहां पर आप लोगों को लिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नीचे में ऑप्टेन का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नए वाले कैरेक्टर के अंदर नीचे में लिंक का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आप लोगों को याद होगा मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया ना, जो नया कैरेक्टर था उसमें सिर्फ ऑप्टेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा था, लिंक वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो गाइस जो नया कैरेक्टर है ना उसका वो अभी पूरी तरीके से हमारे गेम के अंदर नहीं आया है, लेकिन ये सब जो कैरेक्टर अभी आप लोग देख रहे हो जो लॉक पड़ा हुआ है, जो ओल्ड कैरेक्टर है, इसे आप लोग लिंक सिस्टम की मदद से अनलॉक कर सकते हो। और गाइस वो कैसे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जैसे ही आप लोग ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप लोगों को यहां पर ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाएगा, एंड आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहां पर आप लोगों को कैरेक्टर को चूज करना है, ठीक है। लाइक आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है, तो हम लोग यहां पर डीजे वाले कैरेक्टर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। डीजे वाले कैरेक्टर को यहां पर चूज करने के बाद आप लोगों को लिंक वाले ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे यहां पर देखो एक नोटिस आएगा, तो यहां पर बोला जा रहा है कंफर्म टू लिंक विद आलोक, मतलब आप लोग कंफर्म होना कि हमें आलोक को ही लिंक करना है, वरना यार आप लोग 24 आवर्स के अंदर इसे हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर कंफर्म कर दोगे तो 24 आवर्स तक आलोक ही रहेगा, और आप लोग को सबसे पहले आलोक को ही अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब कि सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आप लोग एक ही कैरेक्टर को अनलॉक कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही कंफर्म करेंगे यहां पर आप लोग को मिशन वगैरह दिखाया जा रहा है, जैसे कि यार अगर आप लोग अगर मैच खेलोगे तो पर मैच में आप लोग को 1500 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर ऊपर में अभी आप लोग देख पा रहे 13500 करना है आप लोग को ये वाला स्कोर, और जैसे ये स्कोर पूरा फिल हो जाएगा ना, आप लोग को जो ये कैरेक्टर है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग मैचेस खेल के भी ये कर सकते हो, गो पे जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप लोगों को काफी सारे मैचेस दिखाए जाएंगे, मतलब आप लोगों को जो भी मोड खेलना है, जो भी मोड पसंद है आप लोग उस मोड को खेलोगे, जो लिंक टोकन है ना ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को गोल्ड से बढ़ाना है तो गोल्ड से भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि 200 गोल्ड में आप लोगों को ये 100 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में मेरा 100 हो गया, तो अगर आपके पास काफी सारे गोल्ड्स है ना तो आप लोग गोल्ड से भी कैरेक्टर को अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोगों को मिशन ही
कंप्लीट करना है। अगर आप लोग मैचेस नहीं खेलना चाहते हो, डायरेक्ट अनलॉक ही खोलना चाहते हो, तो आप लोग यहां पर इससे भी खोल सकते हो। मतलब अगर आपके पास गोल्ड रहेगा तो गोल्ड से भी खोल सकते हो, और जैसे जैसे आप लोग गोल्ड लगाओगे वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो गोल्ड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो गोल्ड से भी यहाँ पर एक्सचेंज करके ये वाला जो ऊपर वाला अलोक का मिशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप लोग गो पे क्लिक करना और मैचेस खेलना, जितना ज्यादा मैचेस खेलोगे वैसे वैसे मतलब जो अलोक का लिंक है ना वो बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से चलते हैं अलोक में और देखना होगा, अगर आप लोग को देखना होगा कि कितना फील हुआ, तो गाइस आप लोग को सिंपली से चलना है अलोक में। अलोक में जाने के बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे ही अलोक में जाओगे लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद इसे हटा देना है। ठीक है, उसके बाद देखो मेरा अभी 400 फील हुआ, हमें पूरे 13500 फील करना है। 13500 जैसे फील हो जाएगा फाइनली जो कैरेक्टर है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोई भी कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही फ्री में अनलॉक कर सकते हो। चाहो तो यार आप लोग मैच खेल के भी अनलॉक कर सकते हो, या तो चाहो तो आप लोग गोल्ड से भी अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस ये फीचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो यार अब आप लोग कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो। दो नए कैरेक्टर्स को छुड़ाकर, जो दो नया नया कैरेक्टर आया उसे छुड़ाकर आप लोग कोई भी कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही फ्री में अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यार मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। आई होप आप लोग आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। तो बस मेरे भाई यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, और हाँ अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट के अंदर पूछ लेना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।